दोस्तों आप सभी का जनता टीवी हिंदुस्तान में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं मैं इस वक्त खौड़ा के यूसी में हूं और केवड़ा बागान बोर्ड के 21 नंबर वार्ड में, और यहां तृणमूल कांग्रेस की तरफ से मीटिंग बुलाई गई है। ये वो मीटिंग है कि जो आप जैसा कि जानते हैं पूरे हिंदुस्तान में अपोजिशन पार्टियाँ जो है उनके खिलाफ बीजेपी ने ईडी और सीबीआई को उतार दिया है, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं और इन लोगों ने एक इतिहाद किया इंडिया के नाम से। इसके बावजूद भी आप देखेंगे कि जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस को परेशान किया जाता है बंगाल में, उसी तरह दिल्ली में आम आदमी पार्टी के लीडरों को भी इसी तरह से परेशान किया जाता है। अभी हाल में आपने देखा होगा महुआ मित्रा की बातें, महुआ मित्रा को भी उन लोगों ने पकड़ने की कोशिश की है ताकि वो लोकसभा में अडानी के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सके। उसी के खिलाफ यहाँ पर एक एहतजाजी मीटिंग की गई है। डॉक्टर वासिफ अख्तर साहब इसकी क्यादत कर रहे हैं और भी दिगर लीडर हैं, उनसे बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो यहाँ पर किस तरह से एहतजाज किया और आगे का प्लान क्या है। वासिफ साहब ये बताइए कि आज यहाँ वार्ड नंबर 21 में तृणमूल कांग्रेस की तरफ से प्रोटेस्ट मीटिंग की गई है, जो सीबीआई और ईडी अपनी तरफ से जिस तरह से ज्यादती की है कर रही है बीजेपी के हिदायत पर, आप क्या कहना चाहेंगे? आज जो है पाली के तृणमूल कांग्रेस वार्ड नंबर 21 के जानिब से प्रेसिडेंट डॉक्टर मूसा खान के नेतृत्व में आज जो है एक प्रतिवाद सभा का आयोजन किया गया है। इसलिए कि पूरे हिंदुस्तान में जिस तरह बीजेपी के बवरियर चल रहा है और चाहती है बीजेपी कि पूरे जो है अपोजिशन पार्टी को हम ईडी और सीबीआई के जरिए धमकाकर हम जो है बहुत वर्षों तक राज करें, लेकिन जो है उसको दिमाग में आ गया है मोदी और जो है अमित शाह चड्डा नड्डा को कि अब जो है हमारी सरकार जो है खत्म होने वाली है, ये 2024 में ये आखिरी जो है अब हमारा सरकार खत्म हो जाएगी। इसलिए वो चाहती है कि जहां जहां अपोजिशन पार्टी इंडिया के जो है पार्टी जो बनी है, जहां जहां पार्टी मजबूत है, बंगाल में टीएमसी मजबूत है तो यूपी में जो है आपका एसपी मजबूत है, दिल्ली और जो है पंजाब में जो है आम आदमी पार्टी मजबूत है, तो कहीं लालू और जो है आपका नीतीश कुमार का जो है पार्टी मजबूत है, तो सभी जगह जो है ईडी और सीबीआई के जो है लोगों को लगा दिया गया है। ये हथियार जो है ये चाहते हैं कि इस हथियार के जरिए हम 2024 में फिर एक बार जो है तीसरी बार जो है प्रधानमंत्री के रूप में आएंगे, लेकिन इनका सोचना बिल्कुल ही गलत होगा, क्योंकि अगर जो है हमारे देश में लोग जो है समझदार हैं और सबसे ज्यादा अगर समझदारी रखते हैं तो बंगाल के लोग जो है आप जो है हमारे पार्थ चटर्जी या ज्योति प्रिय मल्लिक या जो है महुआ मित्रा या जो है आपका जितने बड़े बड़े नेता हैं अभिषेक बनर्जी से लेकर ममता बनर्जी, जबकि अभिषेक बनर्जी आपको जो है शेर की तरह दहाड़ रहे हैं कि अगर हमारे अंदर कमी है, अगर हमारा कोई दोष है तो सीबीआई और जो है और ईडी के जो है तुम दफ्तर में क्या बुलाते हो, हमको अरेस्ट करो, लेकिन हिम्मत उनकी नहीं पड़ रही है। जो शुभेंदु अधिकारी जो है कहता है बंगाल के वो बड़े बड़े नेताओं को जो है टीएमसी के उसको सीबीआई और जो है ईडी लगा दिया जाता है, उसी तरह आप पार्टी के लोगों को लगा दिया जाता है। यूपी के अंदर देख रहे कि आज जो है लोगों को बोलने का अधिकार नहीं है और लोगों को जो है अपनी बात रखने का अधिकार नहीं है, वहां पर जो है पूरा आपका फंडामेंटल राइट्स और जो है संविधान जो है छीन लिया गया है। इसलिए कि वहां बीजेपी के जो है पूर्ण बहुमत में जो है अपनी सरकार चला रही है। देखिए आजम खान जैसे जो है एक अच्छे नेता जो सपा के नेता है उनको जो है बकरी चोर और आपका खेत चोर जमीन चोर उस चोर में जो है उनको जो है सजा हो जा रही है। ये आज देश के दुर्भाग्य है। देश जो है हमारा जो है सेकुलर देश है, संविधान पर चलता है, उस संविधान को खत्म करना चाहते हैं और 2024 में आके सोचते हैं कि हम जो है संविधान को खत्म कर देंगे और पूरे देश में अब जो है कोई इलेक्शन नहीं होगा, सिर्फ मेरा राज चलेगा। इसी के लेकर जो है वार्ड नंबर 21 में हम लोग जो है तृणमूल कांग्रेस के तरफ से डॉक्टर मूसा खान, अफरोज आलम, मिराज खान, ऐनुल हक, रुबीना जमील, साजली खान, आपका बदरुद्दोजा अंसारी, मोहम्मद सलीम, मोहम्मद शफीक, महफूज आलम और तमाम फारूक अंसारी, तमाम लोग मिलकर हम लोगों ने एक बहुत बड़ी एक मीटिंग की और वो मीटिंग जो है कामयाब रहा
और इंशाल्लाह जो है हम लोग जो है ये प्रोटेस्ट जो है जारी रहेगा और फिर हम लोग मीटिंग करने का जो है एक डेट रखा जाएगा। जिस तरह हमारा पार्टी का आदेश आएगा उस तरह हम लोग जो है करेंगे। तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद, ममता बनर्जी जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। ये थे डॉक्टर वासिफ साहब और अपनी बातें रख रहे थे। अभी हमारे साथ उषा खान साहब है और इनकी क्यादत में आज यहाँ पर ये मीटिंग हुई है। मैं डॉक्टर मूसा खान 21 नंबर वार्ड के प्रेसिडेंट आप सब, और मैं अपने इलाके के लोगों से ये दरखास्त किया है कि जो लोग उम्र दराज है उनको पता है कि अंग्रेज जब यहाँ हुकूमत करते थे और जब यहाँ की पढ़ी लिखी अवाम जब उनकी खिलाफत करना शुरू की और आवाज उठाया कि अंग्रेजों हिंदुस्तान छोड़ो, तो उन्होंने जितने भी पढ़े लिखे और काबिल आदमी था उठा उठा कर जेल में बंद करना शुरू कर दिया। आज मोदी उसी के नक्श कदम पर चल रहे हैं और जो लोग भी अपोजिशन में उनकी गलती को पकड़ते हैं, उनके खिलाफत करते हैं, उनके पर ईडी और सीबीआई सीआईडी लगाकर एनी हाउ उनको फंसा कर जेल में बंद करना चाहते हैं। हमारे बंगाल में एक ऐसा ये धरती है जहां पर सेकुलर लोग रहते हैं, यहां पर भी उन्होंने खुना खराबा करने की प्लान बना रहा है। जिस तरह गोधरा कांड करा कर वो चीफ मिनिस्टर से प्राइम मिनिस्टर बना, आज भी वही बंगाल में वो चाहते हैं कि मैं यहाँ दंगा कराऊं और यहाँ की तृणमूल कांग्रेस को बदनाम करके यहाँ पर मैं अपना हुकूमत चलाऊं। तो हमें अपने अवामों से मैंने ये तारीख चला कर कह दिया है कि होशियार रहो, हो सकता है 24 आते आते दंगा हो, हिंदू मुसलमान की लड़ाई करावे और कराकर बंगाल को डिस्टर्ब करे। इन्हीं चंद बातों के साथ और इस उम्मीद के साथ कि हमारे इलाके के लोग होशियार है, पढ़े लिखे है और सेकुलर है, वो संविधान को मानते हैं और संविधान पर चलेंगे, इसी सब बातों के साथ मैं अपनी दीदी ममता बनर्जी को जिंदाबाद कहता हूं और उम्मीद करता हूं कि अभिषेक बनर्जी भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चलकर बंगाल को और तरक्की दे। जय हिंद। बहुत शुक्रिया। ये मूसा खान साहब, ये थे मूसा खान। और पश्चिम बंगाल में जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस की सरकार को बदनाम की जा रही है केंद्र सरकार के जरिए ईडी और सीबीआई लगाकर, इसके मुखालफत में हम लोग जो है यहाँ पर पाली तृणमूल कांग्रेस वार्ड नंबर 21 के जानिब से हम लोग एक प्रोटेस्ट सभा किए हैं। आगे का प्रोग्राम हम लोगों का यही है कि जिस तरह पार्टी हम लोगों को जैसे जैसे बताएगी हम लोग वही करेंगे। ये ईडी और सीबीआई ही नहीं, हिंदुस्तान के जितने भी सेंट्रलाइज जो अदारे हैं वो सब जो है मोदी, मिस्टर मोदी के गोद में उनका कठपुतली बने हुए हैं, उनके गोद में बैठ के खेल रहे हैं। वो जैसे जैसे कह रही है सरकार, केंद्र सरकार, वो लोग जो है वैसे वैसे कर रहे हैं। आप लोग का ये आंदोलन चलता रहे? हाँ। और कोई मैसेज कुछ करने जाए? बस हम लोग का यही मैसेज है कि आम आदमी, पश्चिम बंगाल के आम आदमी जो है, आप लोग जो है मोहब्बत से, त्यौहार का मौसम है, आप लोग हिंदू मुस्लिम सब लोग जो है मिलजुल कर यहाँ पर जो त्यौहार मनाएं और मुकम्मल तौर पर ममता बनर्जी पे यकीन करें और आइंदा दिनों में भी ममता बनर्जी के हाथ को मजबूत करें। मूसा खान साहब के नेतृत्व में यहाँ पर ये एहतजाजी मीटिंग हुई है और इनका ये कहना है कि अगर इस तरह से ये जारी रहा, ईडी सीबीआई का ये मामला चलता रहा तो इससे भी बड़ा आंदोलन किया जाएगा और पार्टी जिस तरह से हिदायत देगी उसी हिसाब से हमारा ये काम जारी रहेगा। तो बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। दूसरे अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।